अजीज तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो दहम जमात तलबा मेरे इस चैनल पर नए हैं, उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना है ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और एक बार जहन में रखिए, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ प्रॉब्लम सेट 2। आज हम मजमा सवाला 2 का सवाल नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज, इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स अपोजिट द बेस एंड द सेंट्रॉइड। सवाल नंबर 14 है, मसावी साखेन मुसल्लिस में मुतमासिल अजला की लंबाई 13 सम है, उस मुसल्लिस का खायदा 10 सम है, तो इस मुसल्लिस के हिंसी मरकज से और खायदे के मुकाबले के रास का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। इन द क्वेश्चन नंबर 14 एन आइसोसेलस ट्रायंगल गिवन टू यू and its two congruent side is given to you, length of that side are 13 centimeter and the length of the base is 10 centimeter. He asks you find the distance between the vertex opposite to base and the centroid. एक मसाई साख है मुसलिस दिया हुआ है और उसके मुतमासिल अजला 13 सम हैं, कायदे की लंबाई 10 सम है, आपको क्या करना है, कायदे के मुकाबले के रास का हिंसी मरकज से फासला मालूम करना है। हेयर आई ड्रॉ एन आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी, इस कॉन्ग्रुएंट साइड आर ए बी एंड ए सी, लेंथ ऑफ दैट साइड आर 13 सेंटीमीटर, बेस इज बी सी, length of BC is 10 centimeter. Here we want to find the distance of the vertex opposite to base. Here the base is BC. The vertex opposite to BC is A. So we want to find the distance of A from the center G. Here we want to find the distance H. मुसल्लिस ABC में AB और ए सी दो मुतमासिल अजला हैं, इनकी लंबाई 13 सम है, खायदा बी सी 10 सम है, हमको क्या करना है, बी सी के जो मुकाबिल की रास ए उसका हिंसी मरकज जी से फासला मालूम करना है। राइट डाउन हियर, लेट ट्रायंगल ए बी सी बी the given isosceles triangle फर्ज कीजिए कि मुसल्लिस ए बी सी दिया हुआ मसावी साखेन मुसल्लिस है, हेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर।
यहां पर ए बी मसाई ए सी कितना है 13 सम है, उर्दू वाले यहां लिखेंगे सम। बी सी इज द बेस, बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी मसावी है 10 सम, हाँ उसमें उर्दू वाले लिखेंगे सम, यहां पर सम लिखना है। Here G is the centroid. Write down here. Point G is the centroid. नुक्ता जी हिंसी मरकज है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मेडियन ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। मुसल्लेस के तीनों वस्तानियों का नुक्ता तराकिस हिंसी मरकज कहलाता है और इसे हम जी से जाहिर करते हैं। सो हेयर जी सेंट्रोइड मींस एट द पॉइंट जी ऑल द मेडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर इंटरसेक्ट। Median from B, median from C and median from A, all this median intersect at point G. शक्ल में जी हिंसी मरकज है, इसका मतलब यह है कि मुसलिस ए बी सी के तीनों वस्तानीय बी से खींचा गया वस्तानिया, सी से खींचा गया वस्तान और ए से खींचा गया वस्तानिया, ये कहां खता कर रहे, नुक्ते जी पर खता कर रहे। Here the G lie on the median. यहां पर G कहां वाक्य, वस्तानीय पर वाक्य। Write down here. Centroid G lie on the segment AD. हिंसी मरकज जी खिता ए डी पर वाक्य है। इफ जी लाय ऑन इज ए डी, इट्स मीन दैट ए डी इज द मीडियन। अगर जी ए डी पर वाक्य है तो ए डी क्या हो गया, वस्तानिया हो गया। सेगमेंट ए डी इज द मेडियन, खिता ए डी वस्तानिया है, खिता ए डी वस्तानिया है। Here we want to find AG, the distance between the vertex opposite to base BC is A and the center G. Here we want to find the AG. How can you find AG? First we find AD. To find AD, we use Pythagoras theorem in triangle ADB. But to find AD, the triangle ADB must be right angle triangle. So first of all we prove this angle is 90 degree. We find value of BD. After finding the value of BD and proving this angle 90 degree, we use Pythagoras theorem in triangle ADB and we find AD. After finding AD, we use the property of centroid. Centroid
डिवाइड ईच मीडियन ऑफ द ट्रायंगल इन द रेशियो 2:1. दिस प्रॉपर्टी वी स्टडीड इन क्लास 9. देखिए यहां पर आपको AG मालूम करना है. AG मालूम करने के लिए हम AD मालूम करेंगे. अब AD कैसे मालूम करेंगे? AD मालूम करने के लिए मुसलस ADB में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे. लेकिन मुसलस ADB में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करने के लिए यहां बनने वाला या नवत करना जरूरी है. तो सबसे पहले अपने जाविया नवत लाना पड़ेगा. ये BD मालूम करना पड़ेगा. ये जाविया नवत ला ली हमने, BD मालूम कर लिए. मुसलस ADB में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करे, उसके ऊपर AD आ जाएगा. AD आने के बाद क्या करेंगे हम? हिंसी मरकज के खुसे इस्तेमाल करेंगे. हिंसी मरकज की खुसियत क्या है? हिंसी मरकज मुसलस के वस्तानियों को 2:1 की निस्बत में तकसीम करता है. ये खुसियत हमने जमाते नौ में पढ़ी हुई है. तो सबसे पहले हम यहां क्या मालूम करें? BD मालूम कर रहे. अब BD कैसे मालूम करेंगे? तो देखिए हमने जस्ट वी राइट AD इज द मीडियन. इफ AD इज द मीडियन, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. सो BD इज हाफ ऑफ BC. सो BD इज हाफ ऑफ BC मीन्स BC इज 10 सेंटीमीटर. सो BD इज 5. अभी हमने क्या लिखे? खिता AD वस्तानिया है. खिता AD अगर वस्तानिया है तो नुक्ता डी बीसी का वस्ती नुक्ता हो गया. नुक्ता डी बीसी का वस्ती नुक्ता हो गया तो क्या हो जाएगा? बीडी बीसी का आधा हो जाएगा. बीसी 10 सम है तो बीडी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा. तो राइट हियर पॉइंट डी, पॉइंट पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बीसी. नुक्ता डी बीसी का वस्ती नुक्ता है. सो यार BD इज इक्वल टू 1/2 BC. इसलिए BD मसाई 1/2 BC. BD इज इक्वल टू 1/2 BC. BC इज 10. BD मसाई 1/2 BC. BC 10 है. BD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. BD मसाई 5 सम आ गया. Here the value of BD is 5 centimeter. It is 5. Now we prove angle ADB 90 degree. अब हम क्या करेंगे? जाविया ADB 90 लेके आएंगे. Here median drawn to the base of a isosceles triangle is perpendicular to the base. It is a property. What is the property? The median drawn to the base of isosceles triangle is perpendicular to the base. खुसियत क्या है? मसावी साखन मुसलिस में खायदे पर खींचा हुआ वस्तानिया खायदे पर उमूद होता है. ये इस्तेमाल करेंगे यहां पर हम. राइट डाउन फर्स्ट द प्रॉपर्टी हियर. मीडियन ड्रॉन टू द बेस ऑफ isosceles triangle is perpendicular to the base. उर्दू वाले लिखेंगे मसावी साखेन
मुसलस में कायदे पर खींचा हुआ वस्तानिया कायदे पर उमूद होता है। आप इसको लिख लीजिए, यह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे घर शुरू करेंगे। जस्ट वी राइट द प्रॉपर्टी मीडियन ड्रॉन टू द बेस ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस, विच मीडियन वी ड्रॉन हेयर एडी ऑन द बेस बीसी। हेयर द मीडियन एडी इज ड्रॉन टू द बेस बीसी, सो एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। यहां पर हाइडे पर खींचा गया वस्ताना कौन सा है? एडी है, तो एडी क्या होगा? बीसी पर उमूद रहेगा वहां पर। तो राइट डाउन हियर, सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, खिता एडी उमूद है जिला बीसी। नाउ इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, सो एंगल एडीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एडीबीसी पर उमूद है तो जावे एडीबी कितना हो जाएगा? 90 दर्जे होगा। Now use Pythagoras theorem in triangle ADB. So write down here, in triangle ADB. अब हम क्या करेंगे? मुसलनेस ADB में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। तो लिखिए यहां पर मुसलनेस ADB में एंगल ADB is equal to 90 degree, जाविया ADB 90 दर्जे है। In triangle ADB, AB is the hypotenuse, so AB square is equal to remaining two side are AD and BD, so we add sum of the square of remaining two side, AD square plus BD square। मुसलस एडीबी में ए बी वितर है, तो ए बी की दूसरी मसावी है। बाकी दो जिले कौन से? ए डी और बी डी, तो ए मसावी है ए डी की दूसरी जमा बी डी की दूसरी। राइट डाउन द रीजन, वजह लिखी यहां पर पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम फिसागोरस का मसला, फिसागोरस का मसला। नाउ वी पुट द वैल्यूज हियर, अब हम कीमत रखेंगे। ए बी इज 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, वी वॉन्ट टू फाइन ए डी स्क्वायर प्लस बी डी इज 5 ब्रैकेट स्क्वायर। ए बी 13 है, 13 की दूसरी मसावी है ए डी की दूसरी जमा बी डी 5 है, 5 की दूसरी। 13 स्क्वायर इज 169 इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी, बी डी इज 5 स्क्वायर इज 25। 13 की दूसरी 169 मसावी ए डी दूसरी जमा 5 दूसरी 25, 169 minus 25 is equal to AD square, 169 minus 25 मसावी है AD की दूसरी।
AD square is equal to 144, 169 minus 25 is 144. AD उसने मसावी है 169 - 25 = 144. Taking square root of both the side तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर AD is equal to 12, 144 the square of 12 centimeter. AD मसावी 12, 144 12 मुरब्बा है, AD मसावी 12 सम. Here we find AD. यहाँ हमने AD मालूम कर लिए, AD आ गया 12. But here we want to find AG. हमको यहाँ पर हमें AG मालूम करना है. To find AG, we use the property of centroid. AG मालूम करने के लिए हिंसी मरकज की खुद इस्तेमाल करेंगे. Write down here. Centroid of the triangle divide its median in the ratio 2:1. हिंसी मरकस मुसलेस के वस्तानियों को वस्तानियों को दो से एक की निस्बत में तकसीम करता है. Here the G divide made an AD in the ratio 2:1. यहां पर जी क्या कर रहा, वस्ताने एडी को दो से एक निस्बत तकसीम कर रहा. सो राइट डाउन हियर ए जी इज टू जी डी इज इक्वल टू 2:1. इसलिए ए जी की जी डी से निस्बत मसावी है 2:1. यू मस्ट राइट दिस, आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हल करेंगे हम. राइट डाउन सपोज ए जी इज इक्वल टू 2x, जी डी इज इक्वल टू एक्स. फर्ज कीजिए कि ए जी मसावी है 2x, जी डी मसावी x. नाउ ए जी प्लस जी डी इज इक्वल टू ए डी, है ना. ए जी जमा जी डी मसाई ए डी. राइट डाउन द रीजन ए डैश जी डैश डी. ए जी इज 2x, जी डी इज x इज इक्वल टू ए डी. वी फाइंड इट इज 12. ए जी 2x है, जी डी x है, हमने ए डी मालूम करे वो 12 है.
3x is equal to 12, 3x मसाइ 12, x is equal to 12 upon 3, x मसाइ 12 बटे 3, x is equal to 4, x मसाइ 4 सेंटीमीटर उर्ध्वाल लिखेंगे सम. Here we want to find AG. AG is equal to 2x is equal to 2 into 4 is equal to 8 centimeter. AG मसाई 2x, x 4 आ गया, 2 ज़रब 4, 2 चौक 8, sum. Write down the answer. The distance between the vertex, the distance between the vertex opposite the base and the centroid is 8 centimeter. उर्ध्वाधर लिखिए, मुसल्लेस की हिंसी मरकज से मुसल्लेस के हिंसी मरकज से और कायदे के मुकाबिल के रास का दरमियानी फासला 8 सम है. Have we complete the solution? यहां पर हमने हमारा मुकम्मल कर लिए. Now we start the next question. अब हम अगला सवाल शुरू करेंगे. Question number 15 is, in a trapezium ABCD, segment AB is parallel to segment DC, segment BD is perpendicular to segment AD, segment AC is perpendicular to segment BC. If AD is equal to 15, BC is equal to 15 and AB is equal to 25, find area of quadrilateral ABCD. सवाल नंबर 15 है, जुजनखा ABCD में खिता AB मुतवाजी खिता DC, खिता बी डी उमूद है खिता ए डी, खिता ए सी उमूद है खिता बी सी. अगर ए डी 15 है, बी सी मसाई 15 और ए बी मसाई 25 हो तो जोर बदल अजला ए बी सी डी का रकबा कितना है. इन द क्वेश्चन 15, ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज गिवन टू यू. In this, AB is parallel to DC. Segment BD is perpendicular to AD. Segment AC is perpendicular to segment BC. AD is given to 15. BC is given to 15. AB is 25. He asks you, find the area of this trapezium. Find the area of the quadrilateral ABCD. सवाल नंबर 15 में जुजनखा ए बी सी डी दिया हुआ है. ए बी मुतवाजी है डी सी के, बी डी उमूद है ए डी, ए सी उमूद है बी सी. ए डी 15 है, बी सी 15 है, ए बी 25 है. आपको क्या करना है, जुजनखा ए बी सी डी का रकबा मालूम करने का. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम.
एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इनटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इनटू हाइट. टू फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, फर्स्ट यू फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड. है द पैरेलल साइड आर ए बी एंड डी सी. We know the length of side AB, it is 25, but we does not know the length of DC. First of all, you find length of DC. And second thing, here we find first the height of the trapezium. Here we does not know the height. So first of all, you find the parallel side DC and the height of the trapezium. अब जुजनखा ए बी सी डी का रकबा मालूम करना है, तो रकबा मालूम करने के वास्ते उसे दो मुतवाजी जिलों की लंबाइयां मालूम होना जरूरी है. मुतवाजी जिले कौन से हैं यहां पर? ए बी और डी सी. इसमें आपको ए बी मालूम है, ए बी है 25, पर डी सी मालूम है क्या? डी सी मालूम नहीं है, डी सी निकालना पड़ेगा. और दूसरी बात क्या मालूम करना पड़ेगा यहां पर? इसकी ऊंचाई मालूम करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई और डी सी. अब ऊंचाई और डीसी कैसे मालूम करेंगे? हाउ यू फाइंड द हाइट एंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड डीसी. सो टू फाइंड दिस वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी ऑन ए बी एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए बी. Here the D is perpendicular to AB and CF is perpendicular to AB. Here D and CF are the height of the trapezium. How can you find D? To find D, first we find BD. To find BD, we use Pythagoras theorem in triangle BDA. Here the hypotenuse is 25, AD is 15, we find BD. After finding the BD, we use the formula of the area of the triangle. In which triangle? In triangle ADB, and we find the height D. After finding the height D, the D and CF both are same. So after finding a D, we use Pythagoras theorem in triangle DA and we find AE. AE and FB are same, so we find EF. After finding EF, we prove this quadrilateral DEFC is a parallelogram. If DEFC is parallelogram, EF is equal to DC, so we get DC. After finding the height and DC, we use the formula and we find the area of this quadrilateral. Ab dekhiye, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जोर बोतल अजला की ऊंचाई मालूम करेंगे. ऊंचाई मालूम करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर डी से ए बी पर और सी से ए बी पर दो उमूद खींचे. डी से खींचा उमूद डी है और सी से खींचा उमूद सी एफ है. अब हम डी की लंबाई मालूम करेंगे. डी की लंबाई कैसे मालूम करेंगे? डी की लंबाई मालूम करने के लिए मुसलेस ए डी बी में फीसोकस मसला इस्तेमाल करेंगे, उस पे से डी भी मालूम हो जाएगा. फिर डी भी मालूम होने के बाद मुसलेस के रकबे का जाब्ता इस्तेमाल करेंगे, उस पे से डी आ जाएगा. अब डी जितना है उतना क्या आएगा, सी एफ भी आ जाएगा यहां पर. उसके बाद क्या करेंगे हम, मुसले डी ए में फीसोकस मसला इस्तेमाल करेंगे, उस पे से ए आ जाएगा. अब ए जितना आया उतना एफ भी आएगा. अब ए और एफ भी मालूम करने के बाद ए बी में से ए
और एफ बी माइनस करेंगे उस पे से ई एफ आ जाएगा। ई एफ मालूम होने के बाद हम क्या करेंगे, डी ई एफ सी ये जो जोर कुतल अज़ला है इसको मुतवाज़िल अज़ला साबित करेंगे। ये मुतवाज़िल अज़ला हो गया तो ई एफ डी सी मसाई हो जाएगा, तो ई एफ जितना उतना डी सी हो जाएगा। तो डी सी और डी मालूम होने के बाद हम क्या करेंगे, जाब्ते का इस्तेमाल करेंगे और उसकी मदद से क्या करेंगे, इसका रकबा मालूम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन हेयर। सबसे पहले क्या करो, यहां पर अमल जो क्या लिखो, ड्रॉ सेगमेंट डी ई इज परपेंडिकुलर टू साइड ए बी। खिता डी ई उमूद जिला ए बी खींचिए। नेक्स्ट राइट डाउन, ड्रॉ सेगमेंट सी एफ परपेंडिकुलर टू साइड ए बी। खिता सी एफ उमूद जिला ए बी खींचिए। क्लियर? टू फाइंड डी वी यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए डी बी एंड फाइंड डी बी। आफ्टर फाइंडिंग डी बी वी यूज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड वी फाइंड डी इधर डी हियर डी इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल ए डी बी। हम क्या करेंगे, डी की लंबाई मालूम करेंगे। अब डी की लंबाई मालूम करने के लिए मुसल्लिस ए डी बी में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लिस ए डी बी में फिसागोरस मसला इस्तेमाल करके पहले डी बी मालूम करेंगे, फिर डी बी मालूम करने के बाद मुसल्लिस के रकबे का जाब्ता इस्तेमाल करके डी मालूम करेंगे। डी क्या है, मुसल्लिस ए डी बी का इर्तिफा है, उसकी हाइट है वो। सो राइट डाउन हियर इन ट्राइंगल ए डी बी मुसल्लिस ए डी बी में एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हियर ए बी इज द हाइपोटेनियस, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए डी बी में वितर ए बी है, ए बी की दूसरी मसावी है, ए डी की दूसरी जमा बी डी की दूसरी। राइट डाउन द रीजन, वजह लिखी यहां पर, पाइथागोरस थ्योरम फिसागोरस का मसला, फिसागोरस का मसला। नाउ वी पुट द वैल्यूज, कीमत रखेंगे, ए बी इज 25 स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी 15 स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी 25 है, 25 दूसरी मसावी है, ए डी 15 है, 15 दूसरी जमा बी डी दूसरी। 25 स्क्वायर इज 625 इज इक्वल टू 15 स्क्वायर इज 225 प्लस बी डी स्क्वायर। 25 का मुरब्बा 625 मसावी है, 15 का मुरब्बा 225 जमा बी डी की दूसरी 625 माइनस 225 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। 625 मनफी 225 मसावी बी डी की दूसरी
BD square is equal to 400. BD उसने मसाई 400. Write down taking square root of both the side. तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर BD is equal to 20. BD मसाई 20 आ गया यहाँ पर. Here you find BD. BD is 20. If BD is 20, AC is also 20. BD अगर 20 है तो AC 20 आने वाला है यहां पर. You write this, आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हल शुरू करेंगे हम. Now we find the area of triangle ADB by taking the base AD and height BD. Then we find area of triangle ADB by taking the height D and base AB. These both triangles are same and we find value of D. सबसे पहले क्या करेंगे हम, मुसलस ADB में रकबे का जाप्ता इस्तेमाल करेंगे, कायदा लेंगे AD और इर्तिफा लेंगे BD. उसके बाद मुसलस ADB के रकबे का जाप्ता इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कायदा कौन सा लेंगे, AB लेंगे, इर्तिफा D लेंगे यहां पर. सो राइट डाउन हियर, area of triangle ADB is equal to 1/2. Here we taking the base AD into height BD. It is our statement 1. अब हम क्या करें, मुसलस ADB का रकबा लिखे यहां पर, कायदा कौन सा लिए, AD लिए, और इर्तिफा कौन सा लिए, BD लिए. Here the triangle ADB contain two base and two height. One base is AD, other base is AB. One height is BD, other height is D. So we write the area of triangle ADB by taking the base AD and height DB. मुसलस ADB का रकबा मसा 1/2, जरा खायदा यहां पर AD लिए हमने, इर्तिफा BD लिए. क्यों, मुसलस ADB के दो खायदे और दो इर्तिफा हैं. खायदा पहला AD है, दूसरा AB है. हाइट इर्तिफा BD है और D है. तो हमने क्या करें, यहां पर मुसलस ADB के रकबे का जाप्ता लिखे, रकबा लिखे यहां पर, कायदा कौन से लिए, AD लिए, और इर्तिफा कौन से लिए, BD लिए. नाउ नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, हियर वी टेक द बेस AB एंड हाइट D, 1/2 बेस AB इनटू हाइट D, स्टेटमेंट 2. अब हम क्या करेंगे, अब हम मुसलस ADB के रकबे का जाप्ता लिखेंगे, खायदा कौन सा लेंगे, AB लिखेंगे, और इर्तिफा कौन सा लेंगे, यहां पे D लिखेंगे. इफ यू ऑब्जर्व 1 and 2, दिस इज द एरिया ऑफ द सेम ट्रायंगल, सो एरिया इज सेम. अगर बयान 1 और 2 को देखे आपने, ये दोनों एक ही मुसलस रकबे हैं, इसलिए आपस में मसे रहेंगे. राइट ऑन हियर, फ्रॉम 1 and 2, एक और दो की बिना पर, एक और दो की बिना पर, राइट डाउन हियर,
वन अपॉन टू इंटू ए डी इंटू बी डी इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू ए बी इंटू डी, एक बटा दो जरब ए डी जरब बी डी मसावी है एक बटा दो जरब ए बी जरब डी, वन अपॉन टू कैंसल ए डी इंटू बी डी इज इक्वल टू ए बी इंटू डी ई, एक बटा दो कट जाएगा वहां पर, ए डी जरब बी डी मसावी है ए बी जरब डी। नाउ वी पुट द वैल्यूज हेयर, कीमत रखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी, ए डी 15 इंटू बी डी, बी डी 20, ए बी इज 25, हियर वी वांट टू फाइंड डी ई, ए डी 15 है, बी डी 20 है, ए बी 25 है, डी हमें मालूम करना है, 15 × 20/25 = DE, 15 × 20/25 मसाइ डी, डी मसावी है डी इज इक्वल टू वी डिवाइड हियर 15 × 20/25, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, 3 × 4 = 12, 5 × 3 = 15, 5 × 25, 5 × 5, 5 × 20, 3 × 12, D is equal to 12. If D is equal to 12, write down here DE is equal to CF, both are the height, is equal to 12. D यहां पर कितना आ गया, 12 आ गए, D 12 है तो CF भी 12 आ जाएगा। Now we find A, अब हम A निकालेंगे। To find A, we use Pythagoras theorem in triangle DA. A मालूम करने के लिए मुसल्लेस DA में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। So write down here in triangle DEA, DEA मुसल्लेस DEA में angle DA is equal to 90 degree. Write down the reason. Construction. Amal. Now use here the Pythagoras theorem. In DA, AD is the hypotenuse, so AD square is equal to D square plus A square. मुसल्लेस D में फिसागोरस मसले इस्तेमाल करेंगे, यहां पर AD वितर है, AD की दूसरी मसावी है D की दूसरी जमा A की दूसरी। Now we put the values here. D is 15 square is equal to DE is 12 square plus AE we want to find A square. हिंट रखेंगे यहां पर, AD 15 है, 15 की दूसरी मसावी है D 12, 12 की दूसरी जमा A की दूसरी, 15 square is 225 is equal to 12 × 145 + A² 15 का मुराबा 225 मसावी है 12 का मुराबा 144 जमा ए की दूसरी। आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हल करेंगे हम। (225 − 144 = A²)
225 मन 144 मसाई है एक दूसरी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 4 1 12 - 4 8 1 - 1 0 225 - 144 81 एक दूसरी मसावी है 225 - 44 81 आ जाएगा यहां पर। राइट ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड तरफैन का जजरुल मुरब्बा करने पर a इज इक्वल टू 9 a 9 आ जाएगा। इफ a इज 9 सिमिलरली एफ बी इज ऑल्सो 9। राइट डाउन यार सिमिलरली इसी तरह एफ बी इज इक्वल टू 9। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ ई एफ। अब हम ई एफ की कीमत मालूम करेंगे। ए बी इज इक्वल टू ए प्लस ई एफ प्लस एफ बी। ए बी मसावी है ए जमा ई एफ जमा एफ बी। रीजन ए डैश ई डैश एफ डैश बी ए डैश ई डैश एफ डैश बी। नाउ फिट द नाउ वी पुट द वैल्यूज। ए बी इज 25 इज इक्वल टू ए इज 9 प्लस ई एफ यू वॉन्ट टू फाइंड प्लस एफ बी इज 9। ए बी 25 है मसाई ए 9 है ई एफ मालूम करना है एफ बी भी 9 है। 25 इज इक्वल टू 18 प्लस ई एफ 25 मसाई 18 जमा ई एफ 25 - 18 इज इक्वल टू ई एफ 25 - 18 मसाई ई एफ इज इक्वल टू 7 ई एफ 7 आ जाएगा यहां पर 7 ई एफ इज 7। नाउ विद द हेल्प ऑफ ई एफ वी फाइंड डी सी। टू फाइंड डी सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रूव D E F C इज अ पैरेललोग्राम। अब ई एफ पर से हम डी सी मालूम करेंगे। ई एफ पर से डी सी मालूम करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम जोर बद्र अजला डी ई एफ सी को मुतवाजिल अजला साबित करेंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। मुतवाजी अजला की तारीफ बिना पर अगर किसी ज़ौर्ब अजला के मुकाबिल के जिले मुतवाजी होते हैं तो मुतवाजी अजला होता है। सीयर इन ट्रायंगल डी एफ सी ई एफ इज पैरेलल टू डी सी। वाई ए बी इज पैरेलल टू डी सी इज गिवन टू यू। सो ईच पार्ट ऑफ ए बी इज पैरेलल टू डी सी सो ई एफ इज पैरेलल टू डी सी। एंड D and CF, these both perpendicular are on the same line, so they are parallel to each other. Here DC is parallel to EF and D is parallel to CF, means their opposite sides are parallel, so quadrilateral DEFC is a parallelogram.
हम डी ई एफ सी को मुतवाजी अदला का साबित करेंगे। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ, ए बी मुतवाजी है डी सी के, अगर ए बी मुतवाजी है डी सी तो ई एफ किसकी मुतवाजी हो जाएगा, डी सी के, ये होगा पहला। उसके बाद डी और सी एफ ये दोनों उमूद एक ही खत पर हैं इसलिए आप मुतवाजी रहेंगे, तो जोर बदला डी एफ सी के मुकाबले जिले मुतवाजी होगा, यहां पर ये बन गया मुतवाजी अदला। After proving this, we use the property the opposite side of a parallelogram are congruent. Here EF and DC are the opposite side. So EF is equal to DC. So DC is equal to 7. अब ये DFC को मुतवाजी अज़ला साबित करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको खुशी इस्तेमाल करेंगे, मुतवाजी अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं इसलिए EF मसा हो जाएगा DC के, EF 7 और DC 7 आ जाएगा। Write down here in quadrilateral, DEFC ज़ोरबतुल अज़ला DEFC में साइड EF is parallel to side DC. उर्दू में लिखेंगे जिला EF मुतवाजी है जिला DC। Write down the reason given. दिया हुआ है next pair side DE is parallel to side CF. Write down the reason in bracket. Perpendicular. Perpendicular on the same line. Are parallel. उदाहरण लिखिए जिला डीई मुतवाजी है जिला सीएफ, वजह लिखो एक ही खत पर उमूद मुतवाजी होते हैं। नाउ द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी एफ सी आर पैरेलल, सो इट इज पैरेललोग्राम। सो राइट डाउन हियर क्वाड्रिलेटरल ए क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। ज़ोर बदला डी एफ सी के मुकाबिल के अज़ला मुतवाजी हो गए तो ये क्या बन गया, मुतवाजी अज़ला बन गया, इसलिए ज़ोर बदला डी एफ सी मुतवाजी अज़ला है। इफ quadrilateral DFC is a parallelogram, its opposite sides are congruent. So write here DC is equal to EF. EF is 7, so it is 7.
अब डी एफ सी मुतवाजिल अजला हो गया तो इसके मुकाबले के जिले मुतमासिल हो गए, तो डी सी मसाई के सिवा ई एफ के मसाई सात। राइट डाउन द रीजन अपोजिट अपोजिट साइड अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। मुतवाजिल अजला के मुकाबिल के जिले मुतवाजिल अजला के मुकाबिल के जिले। नाउ हियर वी फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड एंड द हाइट। नाउ वी यूज द फॉर्मूला ऑफ द एरिया एंड वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब हमने क्या किए, मुतवाजिल अजला की लंबाई मालूम कर लिए, ऊंचाई भी मालूम कर लिए, अब इसके रगबे ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे और रगबा मालूम करेंगे। राइट ऑन द फॉर्मूला फर्स्ट, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू वन अपॉन टू इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। जाब्ता लिखे यहां पर जुजन का रकबा मसावी एक बटा दो जरब मुतवाजी जिलों की लंबाई का मजमुआ जरब ऊंचाई। है द ट्रेपेजियम इज ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू वन अपॉन टू इन ब्रैकेट सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। हेयर पैरेलल साइड आर ए बी एंड डी सी, ए बी प्लस डी सी इन टू हाइट, हाइट इज डी ई, राइट हेयर डी। यहां पर जुजनखा ए बी सी डी है तो जुजनखा ए बी सी डी एक बटा दो जरा मुतवाजिलों की लंबाई का मजमुआ, मुतवाजिले ए बी और डी सी, खास में ए बी जमा डी सी जरब ऊंचाई डी है। नाउ वी पुट द वैल्यूज वन अपॉन टू इन ब्रैकेट ए बी, ए बी इज 25 प्लस डी सी 7 इंटू डी, डी इज 12, एक बटा दो जरब ए बी 25 जमा डी सी 7 खास बन जरब डी 12 है। 1 अपॉन 2 इंटू 25 प्लस 7 32 इंटू 12, एक बटा दो जरब 25 जमा 7 32 जरब 12 32 डिवाइड 12 बाय 2, 2 वन जर 2, 2 सिक्स जर 12, एक बटा दो जरा 32, 2 से 12 तकसीम करें 2 छके 12, नाउ वी मल्टीप्लाई 32 एंड 6, 6 टू जर 12, 1 कैरी, 6 3 जर 18 प्लस 192 स्क्वायर यूनिट, राइट हियर स्क्वायर यूनिट 32 और 6 अजरब का 192 आ जाता। उर्दू लिखेंगे आगे मुरब्बा इकाई, मुरब्बा इकाई। राइट ऑन द आंसर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी
इज इक्वल टू 192 स्क्वायर यूनिट। जवाब लिखिए एरिया जोर पत्र बदला ए बी सी डी का रकबा कितना है 192 मुरब्बा इकाई। Here we complete our solution. You must write this or take the screenshot. फिर अगला सवाल करेंगे। Question number 16 is in the figure triangle PQR is an equilateral triangle. Point S is on segment QR such that QS is equal to 1 upon 3 QR. Prove that 9 PS square is equal to 7 PQ square. सवाल नंबर 16 है। शक्ल में मुसलिस पी क्यू आर मसाविल अजला मुसलिस है। खिता क्यू आर पर नुख्ता एस इस तरह है कि क्यू एस मसावी है 1/2 क्यू आर। तो साबित कीजिए कि 9 पी एस की दूसरी मसावी है 7 पी क्यू की दूसरी। क्वेश्चन नंबर 16 इज ए स्टार क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज गिवन टू यू। पॉइंट एस इज ऑन सेगमेंट क्यू आर इज सच दैट क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 क्यू आर। ही आस्क यू फाइंड 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर। सवाल नंबर 16 में मुसलिस पी क्यू आर मसाविल अजला मुसलिस दिया हुआ है और जिला क्यू आर पर नुक्ता इस तरह है कि क्यू एस मसावी है 1/3 क्यू आर। आपको साबित करना है 9 पी एस की दूसरी मसावी है 7 पी क्यू की दूसरी। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड क्यू एस इज इक्वल टू 1/3 क्यू आर दिया हुआ है। दिया हुआ है मुसलिस पी क्यू आर मसाविल अजला मुसलिस है और क्यू एस मसावी है 1/3 क्यू आर। टू प्रूव साबित करना है 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर। 9 पी एस की दूसरी मसावी है 7 पी क्यू की दूसरी। टू प्रूव दिस वी यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी टी एस। ये साबित करने के लिए हम क्या करेंगे पी टी एस में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। बिफोर यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी फाइंड पी टी एन एस टी बाई यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 ट्रायंगल वी फाइंड वैल्यू ऑफ पी टी एंड क्यू टी। आफ्टर फाइंडिंग क्यू टी वी फाइंड एस टी। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ पी टी एंड एस टी वी यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी टी एस टी एंड वी गेट आवर प्रूफ। देखिए इधर आप
ये साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, मुसल्लेस पीटीएस में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। अब मुसल्लेस पीटीएस में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करने से पहले हम क्या मालूम करेंगे, पीटी और एसटी मालूम करेंगे। पीटी कैसे मालूम करेंगे, पीटी मालूम करने के लिए मुसल्लेस पीटी क्यू में 30, 60, 90 के मुसल्लेस के खुद इस्तेमाल करेंगे। इसमें जाविया 60 का है, ये 90 का है, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 30, 60, 90 के मुसल्लेस को इस्तेमाल करके पीटी मालूम करेंगे, पीटी मालूम करेंगे और क्यूटी मालूम करेंगे, क्यूटी मालूम करने के बाद एसटी मालूम करेंगे, एसटी अगर मालूम हो गया तो पीटी और एसटी की मदद से पीटीएस पीटीएस इस मुसल्लेस में फिसागोरस मसला इस्तेमाल करेंगे और उस पे से पीएस की कीमत निकाल के ये साबित कर देंगे। तो देखिए सर, राइट डाउन प्रूफ, प्रूफ सबूत, ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। मुसल्लेस पी क्यू आर मसाविल अज़ला मुसल्लेस है। वी नो दैट इफ द गिवन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल देन इट्स साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड इट्स ऑल एंगल आर 60 डिग्री। हमें पता है कि अगर दिया मुसल्लेस मसाविल अज़ला मुसल्लेस है तो उसके तमाम जिले मसाविल रहते और तमाम जाविये 60 डिग्री रहते। राइट डाउन हियर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। राइट डाउन द रीजन साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल। उर्दू में लिखेंगे मसाविल अज़ला के जिले एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 60। जाविया P मसावी है जाविया Q, मसाई जाविया R, मसाई कितना आ जाएगा यहां पर 60 दर्जे। राइट डाउन द रीजन एंगल्स ऑफ एंगल्स ऑफ एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, लैटरल ट्रायंगल। उर्दू में लिखिए आगे मसाविल अज़ला मुसल्लेस के ज़ाविये, मसाविल अज़ला मुसल्लेस के ज़ाविये। Now, first of all, we find here QS in the form of PQ. अब हम क्या करेंगे, QS मालूम करेंगे PQ की सूरत में। QS is equal to 1/3 QR. It is given you. ये दिया हुआ है आपको, given. दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। QS इज इक्वल टू 1/3, जस्ट वी राइट हियर PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR, QR इज इक्वल टू PQ, वी राइट हियर PQ।
क्यू एस मसावी एक बटा तीन क्यू आर, अभी हम लिखे पी क्यू मसावी है क्यू आर मसावी पी आर, क्यू आर पी क्यू मसावी है, तो यहाँ पे क्यू एस मसावी एक बटा तीन पी क्यू, स्टेटमेंट वन। नाउ राइट डाउन इन ट्राइंगल पी टी क्यू, इन ट्राइंगल पी टी क्यू मुसलेस पी टी क्यू में, राइट ऑन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 degree, एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 60 degree, जाविया पी टी क्यू 90 है और जाविया पी क्यू टी कितना है 60 है, therefore the remaining angle, which angle remains here, क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी इज इक्वल टू 30 degree, इसलिए बचा हुआ जाविया कितना रहेगा 30 दर्जे रहेगा। राइट डाउन द रीजन रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, उर्दू लिखिए मुसलेस का बाकी मानदा जाविया, therefore the triangle PTQ is 30, 60, 90 degree triangle, therefore triangle PTQ is 30, 60, 90 degree triangle, here write degree, इसलिए मुसलेस पी टी क्यू 30 degree, 60 degree, 90 degree का मुसलेस है। आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हल करेंगे हम। Now use property of 30, 60, 90 degree triangle in triangle PTQ. अब हम क्या करेंगे, मुसलेस PTQ में 30, 60, 90 के मुसलेस के खुशियत इस्तेमाल करेंगे। First we find PT. PT is the side opposite to 60. We know that side opposite to 60 is root 3 upon 2 the hypotenuse. Here the hypotenuse PQ. So PT is equal to root 3 upon 2 PQ. Write down here. PT is equal to root 3 upon 2 PQ. Musalles. पी टी क्यू में 30, 60, 90 के मुसलेस की खसूसियत इस्तेमाल करें तो पहले पी टी मालूम करेंगे, पी टी 60 के मुकाबले का जिला है तो हमें मालूम है 60 के मुकाबले का जिला वितर का जजर में 3/2 गुना होता है, यहां वितर पी क्यू है तो पी टी मसावी है जजर में 3/2 पी क्यू। राइट डाउन द रीजन इन ब्रैकेट, उसकी वजह लिखिए, साइड अपोजिट टू 60 degree, साठ दर्जे के मुकाबिल का जिला। नाउ फाइंड क्यूटी, here the QT side opposite to 30, so side opposite to 30 is 1/2 to the hypotenuse,
So right here QT is equal to 1 upon 2PQ. QT 30 के मुकाबले जिला है, 30 के मुकाबले जिला वितर का आधा होता है, इसलिए QT मसावी 1/2 PQ. राइट डाउन द रीजन इन ब्रैकेट, इसकी वजह लिखिए. साइड अपोजिट 230 डिग्री, 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला. बट हेयर वी नीड एस टी, सो वी फाइंड हेयर एस टी. अब हमको यहां पर एस टी की जरूरत है, तो एस टी निकालेंगे यहां पर. तो देखिए इधर क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस प्लस एस टी. क्यू टी मसावी है क्यू एस जमा एस टी इन ब्रैकेट Q dash S dash T. Now we put the values. What is QT? QT is PQ upon 2. What is QS? PQ upon 3 plus ST. QT PQ बटा 2 आ गया. मसावी QS हमने निकाले बाय नंबर 1 में PQ बटा 3 जमा ST. PQ अपॉन 2 माइनस पी क्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू एस टी. पी क्यू बटा 2 मनफी पी क्यू बटा 3 मस एस टी. एस टी इज इक्वल टू हेयर द डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, सो वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर 2, 3, 6. नाउ वी डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू, 3 पी क्यू माइनस 2PQ. यहां पर नसम नुमा अलग अलग हैं, नसम नुमा को नसम नुमा जरब दिए 2, 3, 6, तीसरे जरब करे 3PQ मनफी 2PQ. ST इज इक्वल टू PQ अपॉन 6. ST मसावी है PQ बटा 6. 3PQ माइनस 2PQ, PQ अपॉन 6. 3PQ मनफी 2PQ, PQ आ जाएगा PQ बटा 6. नाउ वी यूज पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल PTS. राइट ऑन हियर इन ट्राइंगल PTS. मुसलेस PTS में एंगल PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री. जाविया PTS मसाई 90 दर्जे. इन ट्राइंगल PTS हाइपोटेनियस इज PS. वी राइट हियर PS स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड PT एंड ST. सो राइट हियर PT स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर. मुसलेस PTS में PS वितर है, PS की दूसरी मसावी है. बखिया 2 जिले कौन से? PT और ST. PT की दूसरी जमा ST की दूसरी. राइट डाउन द रीजन पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम फिसागोरस का मसला. फिसागोरस का मसला. नाउ वी पुट द वैल्यूज. पी एस स्क्वायर एज इट इज मसल पी टी इज इक्वल पी एस स्क्वायर एज इट इज पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी. पी टी इज रूट 3 अपॉन 2 पी क्यू पी टी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एस टी. एस टी इज PQ अपॉन 6 PQ अपॉन 6 ब्रैकेट स्क्वायर. PS की दूसरी मसावी है PT. PT है जगह में 3/2 PQ दूसरी, इसलिए कौन सी दूसरी जमा PQ बटा 6 कौन सी दूसरी. PS स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 स्क्वायर 3 2 स्क्वायर 4 PQ स्क्वायर प्लस
पी की स्क्वायर अपॉन 36। पी एस की दूसरी मसाई है जजर में 3/2, पी क्यू कॉस की दूसरी जजर में 3 / 3, 2 / 4, पी क्यू दूसरी जमा पी क्यू बटा 6 कॉस की दूसरी पी क्यू दूसरी बटे 36। नाउ वी मेक डिनोमिनेटर सेम, टू मेक द डिनोमिनेटर सेम वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन बाय 9। 9 × 3 = 27 अपॉन 9 × 4 = 36 पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36। पी एस की दूसरी, ये दोनों के नसम नमा यक्सा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कसर है इसको इसके शुमार कुंदे और नसम नमा दोनों को नजर देंगे। 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, 27/36 पी क्यू की दूसरी जमा पी क्यू की दूसरी बटे 36। आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हल करेंगे हम। पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम वी राइट हियर 36, वी एड द न्यूमरेटर 27 पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी एस की दूसरी मसावी है नसम नुमा एक जैसे बटे हुए 36, शुमार कुंदों की जमा होंगी 27 पी क्यू दूसरी जमा पी क्यू दूसरी। पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 27 पी क्यू स्क्वायर प्लस 1 पी क्यू स्क्वायर 28 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 36। पी एस की दूसरी मसावी है 27 पी क्यू की दूसरी जमा पी क्यू की दूसरी 28 पी क्यू की दूसरी हो जाएगा। पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी डिवाइड 28 एंड 36 बाय 4, 4 × 7 = 28, 7 पी क्यू स्क्वायर अपॉन 4 × 9 = 36। पी एस की दूसरी मसावी 28/36 को 4 से तस्लीम करेंगे, 4 × 7 = 28, 4 × 9 = 36, 7 पी क्यू दूसरी बटे 9। नाउ वी डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर। अब हम तिरछा जरब करेंगे, 9 पी एस की दूसरी मसाई 7 पी क्यू की दूसरी हैवी प्रूट। यहां हमने साबित कर दिए व्हाट वी प्रूट, 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर। क्या साबित किया हमने, 9 पी एस की दूसरी मसावी है 7 पी क्यू दूसरी। हियर द क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 आर रिड्यूस फ्रॉम योर सिलेबस, सो हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर और ऑल्सो वी कंप्लीट द प्रॉब्लम सेट 2। यहां पर सवाल नंबर 17-18 आपके हिसाब से कम कर दिया गया है, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अपोलनियस के मसले पर है, ये फिशागोरस के मसले का इतलाक अपोलनियस के मसले के ऊपर है, इसलिए कम कर दिया गया है। इसलिए यहां पर हमने हमारा सबक मुकम्मल कर दिया और मजमा सवालात 2 भी मुकम्मल कर लिए। इंशाल्लाह नए सबक के नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।